हेलो सीनियर केजी क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? सब बच्चे बहुत अच्छे से वीडियो बना के भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके वीडियोस देख के, कितने अच्छे से आपने वीडियो बनाए, आपको समझ भी आया है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, किया है हमने पहले भी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलो आज पहले देखते हैं व्हाट इज द डेट टुडे। टुडे इज 16th September। तो क्या स्पेलिंग है सितंबर की, अभी हम लर्न कर रहे हैं ना, SEP, TEM, TEM, BER, BER, September। वेरी गुड। और आज डे क्या है? वेडनेसडे। अभी आपको याद हुई है स्पेलिंग की नहीं वेडनेसडे की? चलो दोबारा बोलते हैं, WED, वेड, NES, NES, DAY, Day, Wednesday। ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम फिर से कर रहे हैं प्रैक्टिस असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया है क्या होता है। अगर हम ये सोचे अपने माइंड में कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्टेप्स चढ़ रहे हैं ऊपर की साइड, तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। वैसे ही अगर हम नंबर्स को सबसे पहले सबसे छोटा नंबर रखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर, तो वही हम सीढ़ियों के ऊपर अगर नंबर्स रखें, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने कौन सा स्मॉल नंबर है ये भी प्रैक्टिस करी है, हमारे 5-6 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो भी आपने प्रैक्टिस करी है ना। वेरी गुड, तो दोबारा से हम प्रैक्टिस करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अभी मेरे पास ये नंबर्स हैं 4, 3, 1, 8, 4 नंबर्स हैं। अब इनमें से हमको देखना है सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, हम कौन सी लाइन काउंट करेंगे, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाली लाइन काउंट करेंगे। तो कौन सी है, यहाँ पे देखो 1, तो 1 तो बोलने में सबसे पहले ही आ गया, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया है, 1, तो ये है सबसे छोटा नंबर, तो पहले हमने यहाँ लिख लिया 1 और इसको कर दिया कट। अभी 4, 3 और 8, इन 3 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वेरी गुड, 3, तो सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड स्टेप पे हम क्या रखेंगे, 3। अब 4 और 8, इन दोनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है, वंडरफुल, 4, तो 4 को भी कट किया और लिखा यहाँ पे। और कौन सा नंबर रह गया जो सबसे बिग नंबर है, 8। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम स्टेप्स बनाए, ऐसे करके सीढ़ियां बनाते हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर रखेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर, फिर 3, उससे बड़ा नंबर, फिर 4, 3 से बड़ा नंबर, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। ठीक है, तो ऐसे होता है असेंडिंग ऑर्डर। एक और सम ट्राई करते हैं, 1, 6, 16, 1, 1, 11, 1, 3, 13, 1, 4, 14। ठीक है, तो ये नंबर्स है हमारे पास में। अभी हमें इसमें से देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कौन सा है आप बताओ देखकर मुझे। वेरी गुड, सबसे स्मॉल नंबर है 1, 1, 11, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर 16, 13, 14, इनमें से सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, वेरी नाइस, 13, तो आ गया फिर 13। अब 16 एंड 14 में से छोटा नंबर कौन सा है, वेरी गुड, 14, तो ये आ गया यहाँ पे 14, तो लास्ट में जो बच गया है वो क्या है, वो सबसे बिग नंबर है, ये है नंबर 16। ठीक है, तो फिर से एक बार स्टेप्स पे रखें इनको, 1 कैसे रखेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले 11, फिर उससे बिग नंबर, फिर इससे बिग नंबर 14, और सबसे बिग नंबर 16। ठीक है, ऑलराइट, तो ये क्या है, ये हमने स्टेप्स के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से नंबर्स को सेट कर दिया है, ऑर्डर पे रखा हुआ है। ऑलराइट, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम सबसे स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके सबसे बड़े नंबर के साइड पे नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वर्क सेंड करूंगी। ओके, तो वो वर्क आप अपनी नोटबुक में, ऐसे मैंने आपको
सम्स दिए हैं, वो सम्स आप करना, वीडियो देखो, ध्यान से समझो. आप तो अभी बड़े बच्चे हो, मेरे को लगता है आपको सब समझ आ जाता है ना. तो आप अच्छे से देखो वीडियो, समझो और फिर मेरे को अपना वर्क फिनिश करके सेंड करो. ओके, बाय.